तो बेसिकली दोस्तों माइक्रोमैक्स इन वन का कैमरा मैं बोलता हूँ कि हमेशा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज़ निकालता है, वीडियोज़ निकालता है। बट यार मैंने इसको काफ़ी सारे फ़ोन से कंपेयर करके भी देखा है। लाइक एस अभी आपको रिसेंट वीडियो दिया था, उसमें रेडमी 9 पावर से किया था। कुछ दिनों पहले मैं पोको M3 से इसका कैमरा कंपेरिजन किया था। बट यार क्या होगा अगर हम इसको इसके बड़े भाई माइक्रोमैक्स इन नोट 1 से कंपेयर करते हैं। और ये वीडियो थोड़ा ऐसे ही चलते फिरते शूट कर रहा हूँ बिकॉज जो पहले वाले थे उनमें ऑडियो ही नहीं है, जो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। तो देखते हैं आज कि माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में और माइक्रोमैक्स इन 1 में किसका कैमरा बेहतर है और कोई डिफरेंस है भी या फिर जस्ट लोग बोलते हैं कि वही है। तो देखते हैं, वैसे नंबर्स की बता दूं तो इन नोट 1 भी था मेरे पास, अभी इन 1 भी था, दोनों के सैंपल्स पड़े हुए हैं और आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। इन नोट 1 में और इन 1 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ हैं। इन नोट 1 में आपको एक लेंस एक्स्ट्रा मिलता है बिकॉज वहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप है, वो एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। और इन नोट 1 में एक चीज़ और एक्स्ट्रा है बिकॉज वो भाई माइक्रोमैक्स का सबसे तगड़ा फ़ोन है और इन 1 उससे दूसरी पोजीशन पर आता है। तो वहाँ पर जो कैमरा है, जो सेल्फी कैमरा है, वो 16 मेगापिक्सल का आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है ऑन पेपर। और मैंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया और फोटोज़ वगैरह निकाले हैं जो कि आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और भाई इस टाइप के वीडियोज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है एडिटिंग के दौरान, तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यार दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लगा यार, 3-4 वीडियोज़ थे, सबके साउंड करप्ट हुए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप सीधे चलते हैं सैंपल्स की तरफ। ये वीडियो मैंने दोनों ही फ़ोन के बैक कैमरा से रिकॉर्ड करी है और आप देख सकते हो कि दोनों में स्टेबलाइजेशन वगैरह मेरे को एकदम सेम सी लग रही है और क्वालिटी वगैरह भी दोनों में सेम सी ही लग रही है, कोई डिफरेंस मेरे को फील नहीं हो रहा। नेक्स्ट शॉट लिया मैंने काफ़ी डिस्टेंस से ताकि मैं देख सकूं कि दोनों में से किस में डिटेल्स अच्छे आए। बाय द वे कलर्स वगैरह दोनों ही एकदम सेम टाइप के पकड़ते हैं, कोई भी डिफरेंस चीज़ में नहीं देखने के लिए मिलता है। अब इनको जूम करके भी देखा तब भी जो डिटेल्स वगैरह है वो लगभग उतनी मिली दोनों पे ही। जो छतरी पे जो टेक्स्ट वगैरह है, फ़ॉन्ट वगैरह है, वो ऑलमोस्ट सेम सा है, कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है और ना ही नोटिस हो रहा है कोई भी डिफरेंस। नेक्स्ट शॉट है इसमें आप देख सकते हो कि जो डायनेमिक रेंज है, यहाँ पे मैंने HDR ऑन नहीं किया था तब भी जो डायनेमिक रेंज है वो इन नोट 1 में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आई है। इन नोट 1 ने उतनी अच्छी डायनेमिक रेंज नहीं पकड़ी है। और इस शॉट में इस पोल पे जूम करके देखा तो चीज़ें उल्टी हो गई, माइक्रोमैक्स इन 1 में डिटेल्स ज़्यादा आ गई जबकि माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में उतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई। तो डिटेल्स में यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन 1 थोड़ा सा आगे निकल गया। नेक्स्ट शॉट ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डायनेमिक रेंज ऑन कर दी थी तो इस वजह से आप देख सकते हो कि दोनों में HDR वगैरह जो स्काई का कलर है वो तो ठीक आया बट जो ट्री का कलर है वहाँ पे इन 1 ने थोड़ा सा डार्क एरिया कर दिया, इन नोट 1 ने ऐसा नहीं किया। नेक्स्ट डिटेल की भी बात करते हैं तब भी ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं आया, दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम सा डिटेल कैप्चर हुआ है, जो पेड़ के जो पत्ते हैं वो ऑलमोस्ट सेम से ही लग रहे हैं। अब लेते हैं कुछ पोर्ट्रेट शॉट और ये आता है पहला पोर्ट्रेट शॉट। दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट शॉट ले लेते हैं, बोके वगैरह भी काफ़ी अच्छा आता है, एज डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और दोनों ही शॉट में आप देख सकते हो कोई भी कलर में भी ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अब थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा डिटेल्स माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में एक्स्ट्रा है और जो एक्सपोजर है जो लड़के के कंधे पे वो भी थोड़ा अच्छा मेंटेन हुआ है इन नोट 1 में। और बाय द वे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। ये मैंने पोर्ट्रेट शॉट लिया थोड़ी दूरी से ताकि जो ऑब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट के बीच में अगर कोई डिफरेंस है तो वो हमें मालूम पड़ सके। और दोनों ही ने ऑलमोस्ट सेम सा ही काम किया है। अभी आप इसको अब जूम करके आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे डिटेल्स वगैरह भी दोनों में सेम है बट स्लाइटली जो ज़्यादा डिटेल्स है वो इन नोट 1 में आई है बट सिर के पास जो पेड़ का जो गुंदी है उसको इन नोट 1 ने ब्लर नहीं किया है, इन 1 ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पोर्ट्रेट शॉट काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट ये आप फ्रंट कैमरा की शॉट है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन नोट 1 डेफिनेटली विनर है, कोई भी इसका मुकाबला नहीं है। बाय द वे जो वाइट सी टोन आ रही है इन 1 के फोटो पे वो इस वजह से आ रही है क्योंकि इसके फ्रंट कैमरे में काफ़ी धूल भर गई है। और रही बात डिटेल्स और कलर की तो अगर धूल ना हो तो दोनों ही एकदम सेम से डिटेल्स और कलर्स पकड़ते हैं और कहीं ना कहीं जो डिटेल्स हैं वो इन नोट 1 में थोड़ी ज़्यादा है, आप क्लियरली इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने पोर्ट्रेट शॉट लिया तब भी वही कहानी थी, जो धूल भर गई है वो तो भर ही गई है परमानेंटली बट पोर्ट्रेट शॉट में आप देख सकते हो जो ओवरऑल पिक्चर है वो इन नोट 1 का थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है, वहीं इन 1 का उतना ज़्यादा बेटर पिक्चर नहीं लग रहा। अब ये वाला पोर्ट्रेट शॉट मैंने सन के अगेंस्ट लिया और HDR को ऑन कर दिया है तो डायनेमिक रेंज दोनों में सेम सी आई है बट मेरे चेहरे पे और गर्दन पे काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस है और जो कंधे वगैरह हैं उस पार्ट को भी ब्लर कर दिया है दोनों ही फोन्स ने। अब ये कुछ मैंने लो लाइट के शॉट लिए हैं ताकि मैं देख सकें कि नाइट मोड कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर से देखने में दोनों की पिक्चर सेम लग रही है। बाय द वे अब हम इसको जूम करके देखते हैं और देखते हैं कि डिटेल्स कैसे आते हैं। अब डिटेल्स के मामले में आप देख सकते हो कि जो इन नोट 1 है उससे थोड़े बेटर डिटेल पकड़े हैं, चाहे वो बॉल पे हो या फिर जो पॉलीथीन चल रही है उसके डिटेल्स हो। और नॉइज़ इन नोट 1 में बहुत कम आई है जबकि इन 1 में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है। अब ये सेम शॉट उसी जगह पे नाइट मोड को लगा के लिया गया है और यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है और अभी ऊपर से देखने में तो कोई चीज़ नहीं मालूम पड़ रही, लेकिन अब हम जूम करके देखते हैं कि डिटेल्स वगैरह किस चीज़ में ज़्यादा आई है। तो इस बार डिटेल्स में कुछ मामला उल्टा हो गया, इस बार इन 1 में डिटेल्स थोड़े ज़्यादा आ गए हैं जबकि इन नोट 1 में उतने नहीं आए। आप क्लियरली देख सकते हो जो खुटी लगी हुई है वहाँ पे डिटेल्स इन 1 में थोड़े ज़्यादा है इन नोट 1 से।
और लास्ट ये मैक्रो शॉट लिया है मैंने, देखते हैं कि दोनों ही फोन में कैसा मैक्रो कैमरा है। दोनों में 2-2 मेगापिक्सल का मैक्रो है और ऊपर से देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाय द वे इन वन का थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है, बट अभी जूम करके देख लेते हैं कि डिटेल्स किस में बेटर है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो बार कोड है या फिर जो नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं वहाँ पर डिटेल्स के मामले में इन वन थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, जबकि मेगा पिक्सल और एपर्चर वगैरह सब कुछ सेम है। तो जैसा कि आपने देख ही लिया कि माइक्रोमैक्स इन वन और माइक्रोमैक्स इन नोट वन का कैमरा ऑन पेपर बिल्कुल सेम है और सॉफ्टवेयर भी दोनों का सेम है, और हमने अभी आपको टेस्ट करके भी दिखा दिया कि दोनों एकदम एग्जैक्ट सेम से ही रिजल्ट देते हैं। बस थोड़ी बहुत जो फ्रंट कैमरा है उसमें डिटेलिंग की कमी और ज़्यादा है। बाय द वे माइक्रोमैक्स इन नोट वन में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी मिलता है और इन वन में नहीं मिलता, इसलिए उसको कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए मैंने उसको कंपेयर करके नहीं दिखाया। और माइक्रोमैक्स इन वन में एक चीज़ और हो गई है कि मेरे फ्रंट कैमरा में काफ़ी ज़्यादा धूल भर गई है और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक बन जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो और मैंने बताया कि कैसे आप उसको क्लीन भी कर सकते हो। तो आई होप आपको कैमरा कंपैरिजन काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं अक्सर ऐसे कैमरा कंपैरिजन, स्पीड टेस्ट कंपैरिजन और फोन्स के रिव्यू वगैरह करता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। दोनों चीज़ें एकदम जरूरी हैं और एकदम फ्री भी हैं। मैं बोलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी कमेंट है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं आप क्या चाहते हैं, किस तरह के वीडियोज़ चाहते हैं। मैं बोलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।